देखिए राजीव जी, अमित शाह जी के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना, मोदी जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। अमित शाह जी ने जिन जिन नेताओं के बच्चों के नाम लिए, उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया, उन्होंने लालू यादव के बेटे का नाम लिया, कमलनाथ जी के बेटे का नाम लिया, अशोक गहलोत जी के बेटे का नाम लिया, उन्हें शायद ये ध्यान रखना चाहिए था कि जिन बेटों का वो नाम ले रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे अगर, और लोकतंत्र में अगर जनता उनको चुनाव जिताएगी तो इस बात की संभावना होगी कि वो नेता बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। कृपा करके अमित शाह जी ये बताते कि जय शाह जी कौन सा इलेक्शन लड़के बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, और आज बीसीसीआई जो सबसे बड़ा धन का स्रोत है और जहां पैसा बहता है, वहां जय शाह जी के पास कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से आज बीसीसीआई के वो पूरे करता धरता बन गए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये सोचिए राजीव जी, एक व्यू रचना की थी बीजेपी ने जो 2019 में बहुत अच्छी तरह से काम आई थी। पहली थी कि उनका व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एक बहुत बड़ा कब्जा था, क्योंकि मैं भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो मैं उनकी कार्यप्रणाली को मैं अध्ययन करता रहता हूं। एक एक व्यक्ति, एक एक भक्त कम से कम 100-100 व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग घुस जाते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को परेशान करके, त्रस्त करके, मानसिक प्रताड़ना देके उनको व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी हवा बनाते हैं कि बीजेपी जीत रही है। दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है वो जनता को ये दिखाता है कि बिल्कुल बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तीना फैक्टर है, ये इनकी व्यू रचना थी। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से सोचिएगा, YouTube चैनल्स ने पिछले 2-3 साल के अंदर अगर आप देखें कि व्यूअरशिप जो गोदी मीडिया की है और जो YouTube चैनल्स की है, किस प्रकार से YouTube चैनल्स की व्यूअरशिप दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है, और किस प्रकार से गोदी मीडिया की व्यूअरशिप अचानक तेजी से गिर रही है और अचानक एक के बाद एक चैनल बंद हो रहे हैं उनकी व्यूअरशिप के अभाव में, तो कब तक सरकार की मदद से, सरकार से एड लेके वो अपने को चला पाएंगे, ये चीज। और दूसरी चीज, जो व्हाट्सएप के ग्रुप के खिलाफ एक यूट्यूब खड़ा हो गया है, और यूट्यूब जो है आप जानते हैं 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल्स हैं, और आज का जो जवान है, आज का जो बच्चा है, वो यूट्यूब को देखता है और वो हर चीज में यूट्यूब को देखता है। आप अगर इसका सर्वेक्षण कराएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं, जिन्होंने टीवी चैनल्स को छोड़ दिया है और केवल यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, और दो दो तीन तीन बार देखते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, और हमें जो ज्ञान का स्रोत मिलता है वो यूट्यूब से ही मिलता है। और देश की 90% जनता अब अखबार को और गोदी मीडिया को छोड़कर यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि व्हाट्सएप का जो एक प्रकार का संघर्ष जिसमें यूट्यूब ने उनको हरा दिया है, और दूसरा जो राहुल गांधी ने किया है पिछले 7 महीने के अंदर, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जनता को खड़ा कर दिया है। देखिए, आप नहीं लड़ सकते थे क्योंकि एक तरफ पैसा था, एक तरफ धन बल था, एक तरफ दबंग लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे, हमारे जैसे लोग थे, जो देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, लेकिन हम शारीरिक रूप से कमजोर थे, हम उनसे लड़ाई शारीरिक रूप से नहीं कर सकते थे, जैसे महात्मा गांधी शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास नैतिक बल था। राहुल गांधी ने अपने नैतिक बल से आज जनता को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया है, और यही परेशानी का कारण है मोदी जी का और अमित शाह जी का, कि आज जहां वो जा रहे हैं उनको सामने जनता खड़ी दिख रही है। और जब ये जनता, ये वो जनता जो मेहनत कर जनता है, जो पसीना बहाने वाली जनता है, जो संघर्ष करने वाली जनता है, जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसकी माँ परेशान है, जिसकी पत्नी परेशान है, जिसकी बेटी परेशान है, वो ये देख रही है कि ये जो हिंदू मुसलमान और उपटांग की चीजें करके तुम हमें बांटने का प्रयास करते हो, वो चीज आज की तारीख में वो 70% जनसंख्या जो कि पीड़ित है, जो बिल्कुल परेशान है, उसको राहुल गांधी ने अपने साथ जोड़ लिया है। आप एक चीज राजीव जी कभी देखिए, कोई चैनल देखिए, मोदी जी की कोई भाव भंगिमा देखिए, विदेश में वो लोगों से गले मिलते हैं, हिंदुस्तान में किसी से गले मिलते उन्होंने देखा है आपने क्या? एक फोटो पेश कर दीजिए जहां हिंदुस्तान में किसी से गले मिले हों। राहुल गांधी देश में लोगों से मिलते हैं, और किनसे मिलते हैं, किनसे मिलते हैं? सूट बूट वालों से नहीं मिलते हैं, सुगंध और इत्र लगाने वालों से नहीं मिलते हैं।
आप उनके अगर जिन लोगों से वो गले मिलते हैं और जिनको अपने पास बुलाते हैं और जिनसे बात करते हैं वो कौन लोग हैं, वो देश के असली भारतीय हैं जो देश को खड़ा करने में और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है राहुल गांधी, उनसे गले मिलते हैं। मोदी जी कल अगर मेट्रो से दिल्ली यूनिवर्सिटी गए हैं, एक आदमी आसपास नहीं था। एक आदमी दिखा दीजिए जिसके मैले कुचले कपड़े हों, जिसके फटे कपड़े हों, जिसमें ग्रीस लगी हो उसके कपड़े में, और मोदी जी उससे गले मिलते आप दिखा दें। हो सकता है आज से वो ये शुरू कर दें, लेकिन राहुल गांधी ने व्यू रचना करके आज जनता को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। इसलिए YouTube ने WhatsApp को हरा दिया है और जनता ने इनकी जो IT सेल है और गोदी मीडिया को हरा दिया है। 2024 का जो चुनाव है वो बिल्कुल आसमान में खुली, आसमान में लिखी हुई लिपि की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। जी, 2024 के चुनाव को प्रोफेसर अखिल स्वामी जी देख रहे हैं कि क्या कुछ चैनल्स में देखता हूं, वो ट्रेंड लाइन की बात करते हैं और ट्रेंड लाइन की बात करते हैं कि 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, तो 2023 में होगा। देखिए, इस ट्रेंड लाइन का अध्ययन करते समय राजीव जी एक चीज का ध्यान रखें, आज से 7 महीने पहले जो राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी थी और मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी थी, और 7 महीने के अंदर जो परिवर्तन हुआ है जिसको हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस से ट्रेंड लाइन पे हुआ प्रभाव और उसका परिवर्तन, आज के तारीख में और 2 महीने पहले के जो ट्रक ड्राइवर्स थे और जो स्विगी और जोमेटो के संदेशवाहक थे और जो बच्चे थे और जो ऑटो के रिपेयर शॉप्स वाले थे, अगर आप इनका अध्ययन 2 महीने पहले और आज का कराएं, ट्रेंड लाइन में भीषण परिवर्तन है। देखिए, ट्रेंड लाइन जो है एक हो रही है, एक होता है ट्रेंड रिवर्सल, एक होती है ट्रेंड लाइन, उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि पहले ये ट्रेंड थी और ऐसी रही तो ऐसी होगी। जो हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है राजीव जी, ये ट्रेंड रिवर्सल्स हो रहे हैं। 2014-19 की जो ट्रेंड लाइन मोदी जी की थी वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और राहुल गांधी की 2014-19 में जो ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड ट्रेवल में थी वो अपवर्ड ट्रेंड रिवर्सल है। ये ट्रेंड रिवर्सल अभी 4 महीने बाकी हैं और पार्लियामेंट के इलेक्शन में अभी 11 महीने बाकी हैं। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल इसी प्रकार से रहा और राहुल गांधी इसी प्रकार से उन वर्गों का ध्यान रखते रहे और उनसे संबोधन करते रहे और उनसे मिलते रहे, और इसी तरह से अगर मोदी जी हीरे के सेट लोगों को भेंट करते रहे और अकेले मेट्रो में घूमते रहे, ये ट्रेंड रिवर्सल इतना फास्ट होगा, एक मैनेजमेंट के, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर होते हुए जो मैं देख, ये ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जैसे आपके पैनल में सारे लोग कह रहे हैं, 1977 का बिल्कुल पुनरावृत्ति होगी और वही स्थिति होगी अगर ये राहुल गांधी इसी प्रकार से जनता से मिलते रहे, विभिन्न वर्गों से मिलते रहे। आज आप ट्रक ड्राइवर से मिलियो, जो ट्रक ड्राइवर्स पूरे देश में ट्रेवल करते हैं, ढाबों में जाते हैं, 1000 लोगों से बात करते हैं, वो संदेशवाहक हैं, उन्होंने अपने मैसेंजर्स क्रिएट कर दिए हैं और ये